नमस्कार, मैं डॉक्टर जरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे साथ मीटिंग पे उपस्थित है डॉक्टर स्वाति जी, और ये डेंटिस्ट है, उनका खुद का क्लिनिक है, उनकी प्रैक्टिस है, और ये प्रोफेसर भी कॉलेज में है। तो इन ये जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनका जो भी अनुभव है वो हमें बांटना चाहते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। स्वाति जी, आप अपना अनुभव बताएंगे तो लोगों को बहुत लाभ होगा। कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने बात करने के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया। तो मैं एक डेंटिस्ट हूँ, MDS प्रोस्टोडोंटिस्ट। तो जो दांत रिपेयर करते हैं, इम्प्लांट्स डालते हैं, क्राउन्स देते हैं, तो वो डेंटिस्ट स्पेशलाइजेशन है मेरा। और मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और मेरा खुद का क्लिनिक है। जी, आप कहाँ पे रहते हो मैडम? मैं कर्नाटक में गुलबर्गा शहर में रहती हूँ। जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी अभी 44 है, दिसंबर में 45 चालू हो जाएगा। अच्छा, तो आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो आप कब से ये सिस्टम से जुड़े हो और कैसे जुड़ना हुआ, वो पूरा डिटेल में बताइए। तो मैं पिछले 2 सालों से न्यू डाइट सिस्टम कर रही हूँ। पहला मेरा बीवी चौहान सर का मैंने वीडियो देखा था कि आप जितना फास्टिंग करते हो उतना फास्टिंग ही इम्पोर्टेंट है जी। तो पता नहीं मुझे वो चीजें कितनी इतनी अफेक्ट हो गई कि मैंने शुरू में एक 4-5 दिन का फास्टिंग किया। अच्छा। और उसके बाद मुझे जो अनुभूति होने लगी कि बहुत अच्छी होने लगी। हाँ, मेरा निर्जला का ही फास्टिंग था। अच्छा, और उसके बाद 4 दिन का था। अरे, और उसके बाद में लाइक तभी एनिमा वगैरह चालू किया था। 5वें दिन सब लोग बोलने लगे कि क्या लाइक अभी छोड़ो छोड़ो, तो मैंने थोड़ा जूस लेके मेरा फास्ट तोड़ दिया था। फास्टिंग जो है वो सबसे हमारे बरसों पुराना ये चीज है कि लंघनम परम औषधम, ऐसी औषधि होनी चाहिए कि खाना बंद कर दो, अपने आप सब कुछ रिपेयरिंग होना चालू हो जाता है। उसको हम मेडिकल साइंस में बोलेंगे ऑटोफेगी। तो ऑटोफेजी जो है, हाँ, वो भी ऐसी ही चीज है कि हम खाना बंद कर देते हैं, शरीर जो है वो अपने आप हीलिंग करना चालू कर देता है। हाँ। तो डॉक्टर स्वाति जी, आप भी बताइए कि आपकी पूरी दिनचर्या में न्यू डाइट सिस्टम क्या क्या फॉलो करते हो? हाँ, तो पहले से ही मैं आपने पूछा कि कैसे ये किया, तो ये मैं करती गई। तो मेरा 1 बजे तक मेरा लंच, 1 बजे लंच टाइम होता है जी। तो 1 बजे मैं ग्रीन जूस लेके, फिर 2 बजे मैं फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स लेती हूँ, और फिर 6 से 7 बजे में जो भी है वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेती हूँ और जूस लेती हूँ। बीच में तो मैंने 2-3 महीना मेरा रसाहार हो गया था, पता अच्छा। नहीं मुझे भगवान ने कैसे सपोर्ट किया था, लेकिन मोनो डाइट जो बोलते हैं, तो 3 महीने का रसाहार हो गया था मेरा। तो 3 महीने में कौन सा जूस पिया वो भी बताइए। हाँ, मैंने ना वो पाइन एप्पल वाला जूस पिया था 3 महीने। अच्छा। में तो सुबह दोपहर शाम और रात सिर्फ एक ही पाइन एप्पल का ही जूस पिया पूरे दिन? हाँ, पाइन एप्पल का, और वो मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। तो ऐसे नहीं था, सुबह दोपहर शाम। अच्छा। तो 1 बजे ही। अच्छा। सुबह में मेरा कुछ भी लेने का मन नहीं करता है, और 1 बजे ही मैं 2 या 3 ग्लास, और फिर 4 बजे 2 या 3 ग्लास। तो मुझे ये अनुभूति हुई कि लाइक अपने बॉडी को वो पचाने के लिए भी बहुत कम समय लगता है, बहुत कम एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, और एनर्जी लेवल इतनी बढ़ती है, आपकी खुशी इतनी बढ़ती है, आपका ब्रेन इतना अच्छे से काम करने लगता है कि लाइक सब काम अच्छे से होने लगते हैं ऐसे जी।
तो डॉक्टर स्वाति जी, वो आपकी स्किन पे दिखता है, आपके फेस पे जो स्माइल आ रही है उसमें दिख रहा है कि आपने पाइनएप्पल का जूस 3 महीने तक लगातार पिया। और ये बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं वो ये कर सकते हैं। सबके पास पैसे हैं, करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस में पड़े हैं, लेकिन पता नहीं है कि हेल्दी कैसे रहना है। तो वो आपने ढूंढ लिया है कि ये 3 महीने आपने पूरे दिन में सिर्फ एक ही जूस, मतलब कि मोनो डाइट, और वो भी आपने किया पाइनएप्पल के जूस पे। बहुत हेड्स ऑफ है आपके लिए कि आपने इतना अच्छा करके दिखाया। और उसमें मुझे पता चलने लगा कि मेरे जो हेडेक था, मुझे जॉइंट पेन चालू हो गया था मुझे, तो वो सब कुछ कम हो गया। और लाइक एक अलग एनर्जी और अलग एनर्जी लेवल से मैं सब कुछ काम करने लगी। तो मुझे ये साइंस बहुत अच्छा लगा। तो जनरली कभी कभी क्या होता है, कॉलेज में कुछ काम निकल के आता है तो मैं घर नहीं आ सकती हूँ, तो मैं वहां पे ही कोकोनट वाटर ले लेती हूँ और एक दो केला खा लेती हूँ और फिर आगे का मेरा काम वहां पे चेक कर लेती हूँ। डॉक्टर स्वाति जी, लोगों के दिमाग में ऐसी भ्रांति होती है कि एनीमा से डर लगता है, तो आपका क्या कहना है एनीमा के बारे में? एनीमा जो है, मैंने आपके भी वीडियोस देखे हैं, तो आपने बहुत सही बात की है कि एनीमा की आदत हमें बचपन से ही डालनी चाहिए। जी, हम बाहरी क्रीम लगाते हैं, बाहर हैंड लाइक बॉडी वॉश रहता है अपना, हेड वॉश रहता है, सब कुछ बाहर सब कुछ हम क्लीन रखते हैं, लेकिन मेन जो है कि अपनी बॉडी क्लीन रखना, तो वो जो लॉन्ग इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत की सफाई, वो बहुत जरूरी है। और सभी जो एनडीएस करते हैं और ना करते हैं, उनको करना ही है, तो एनिमा तो करना ही है। और अभी मैं सुबह में ही एक बार एनिमा लेती हूँ अभी। और अभी भी आपका 2 साल हो गए आप ये सिस्टम से जुड़े हो, अभी भी आप 100% रॉ फूड पे हो? हाँ, रॉ फूड पे 100%। मेरा अभी पकाया हुआ खाने का मन ही नहीं करता, तो बीच में घर वाले बोल रहे थे कि आप खाओ, आपका वजन कम हो रहा है, तो मैं आपका वीडियो दिखाती थी कि देखो ये झरना जी है और ये कम्प्लीटली आप कैसा जिंदा रहोगे, और मेरे घर में सब लोग डॉक्टर्स है। अच्छा, तो उनका बहुत ये था कि आप कैसे सरवाइव करोगे करके, तो मैं आपका वीडियो दिखाती थी कि ये देखो ये से झरना जी पूरा रॉ डाइट पे है करके। जी, जी। तो ऐसे ही फिर उनको समझाती गई, लेकिन मैंने मेरा छोड़ा नहीं। अच्छा। कि मुझे हाँ, मैंने उनको फिर बोला कि देखो ये मुझे अंदर से ऐसे लग रहा है कि मैं कच्चा ही खाऊं, तो मुझे ये एक चीज मुझे करने दो, बाकी हाँ सब चीजें मैं आपकी तरह आप जैसे बोलते हो वैसे करूंगी। जी, तो डॉक्टर स्वाति जी, आप ये बताइए कि वेट कितना लॉस हुआ आपका? 28 केजी हो गया था वेट, अभी 40 तक आ गया है। मैं मेरा एक्सरसाइज भी नहीं है, मेरा बैठे बैठे काम रहता है, लाइक स्टूडेंट्स को सिखाना या पेशेंट के ऊपर काम करना, तो एक्सरसाइज उतना नहीं रहता, तो मैंने आपसे भी गाइडेंस लिया था, तो अभी मैं थोड़ा सा ज्यादा खाके रॉ पे ही ज्यादा खाके मैं वेट मेंटेन कर रही हूँ। जब मैं आप आए तब आपका वजन कितना था? तभी 60 केजी था। अच्छा, तो मतलब 20 केजी वेट लॉस हो गया। हाँ, और उसके पहले 37 पे आ गए थे आप? हाँ, 36 37। हाँ, लोगों की भ्रांति है कि हाँ पकाया हुआ ही खाना है कि सरवाइव होने के लिए। जी, तो सबने बोला, मेरी माँ ने बोला, मेरे भाई, मेरी भाभी, सब लोगों ने, मेरे हस्बैंड, उनको पता था न्यू डाइट सिस्टम, लेकिन फिर भी बोलते थे कि हाँ पकाया हुआ खाना चालू करो, कितने पतले हो गए हो। जी, तो पता नहीं, अंदर से एक और स्ट्रांग होती चली गई मैं। और आपका वीडियो, मैं आपके वीडियो दिखाती थी उनको कि देखो ये कितने पतले हैं, पूरा दिन एक्टिव, और बाद में उनको पता चला कि मैं पूरा दिन अच्छे से काम कर सकती हूँ, मुझे कुछ दर्द नहीं होता, मुझे कुछ फीवर नहीं रहता, तो उसके वजह से वो लोग एक्सेप्ट करना चालू करे। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी एनडीएस कर रहे हैं, तो उनको उनको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि लोगों को ये
हमें बोलना है कि यही सत्य का मार्ग है, तो पहले हमें ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। शायद आज मुझे देख के अगर और दो तीन लोगों ने कच्चा खाना चालू कर दिया तो बहुत अच्छी बात है ना, इंस्टेड कि मैं उनका सुन के पकाया हुआ खाऊं। हाँ जी, तो ऐसे मुझे लगता है आप जैसा बोल रहे हैं, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने तकलीफ दी, तकलीफ माने वो लोग अपना ओपिनियन बोल रहे थे। इवन जो कॉलेज में जो मैं जॉब करती थी तो डॉक्टर्स का तो ऐसा रहता है कि ये वेट पे, ये एज पे ये इतना वेट रहना चाहिए, ये पैरामीटर्स रहने चाहिए, आपको कुछ हो गया है क्या, क्या लाइक दूसरा डिसीज हो गया है क्या। पहले तो मैं उनको अभी बोलती थी कि नहीं मैं ये ऐसा कर रही हूँ, अभी तो वो कुछ बोले ऐसे तो मैं स्माइल करके आगे निकल जाती हूँ। तो जब मेरे में पूरे रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे तो उनको पता चल ही जाएगा जी, ऐसे मुझे लगता है। आपको सिर्फ यही करना है, आपके मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट नंबर है वो सभी के सभी कॉन्टेक्ट वालों को हमारी वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए कि भाई डॉक्टर जरना पटेल से पूछ लो, वो जवाब दे देंगे। पर आपको छोड़ दो, क्योंकि हमारा तो पूरे दिन काम ये है कि सबको हम आंसर देते रहते हैं, तो ऐसे करके ऐसे करके हमारी सिस्टम जो है वो आगे बढ़ती रहती है। डॉक्टर स्वाति जी, हम ये बात करेंगे कि 40 साल से हमने जो रोटी सब्जी दाल चावल खाई थी, हमने खुशबूदार आइटम खाई थी, तो वो सारी आइटम खानी अच्छी है कि अभी परमात्मा का बनाया हुआ अपक्व भोजन खाना अच्छा है? जरना जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अभी दिवाली हो गई, घर में सब बना रहे थे, मैं उनको कुछ फोर्स नहीं करती कि आप ये खाओ वो खाओ, उनको जो खाना है वो खाएंगे, वैसा करेंगे, मुझे जैसे रहना है वैसे मैं रहूंगी। तो वो चकली लाडू सब सब बन रहे थे, मेरी बेटी है अभी लाइक आर्किटेक्चर के लिए ज्वाइन किया उसने, तो वो अभी वो देख के, वो ऑयल देख के, वो सब कुछ अभी ऐसे लग रहा है कि अभी मैंने मेरी बॉडी इतनी शुद्ध बनाई है तो वो फिर खा के फिर अशुद्ध क्यों बनानी है, लाइक टॉक्सिन्स क्यों कलेक्ट करने हैं। अभी तो प्लेन काकड़ी या आप कुकुम्बर लेंगे, ये लौकी लेंगे ना, तो वो भी मुझे इतनी स्वीट लगती है कि मैं परमात्मा को थैंक्स बोलती हूँ कि आपने इतना अच्छा खाना बनाया, लेकिन हम उसको समझ नहीं सके। हाँ जी, ऐसे हाँ जी। तो और मुझे ऐसे लगता है कि जब हम खाना खाने के इसमें चेंज करते हैं तो हमारा मन भी चेंज होने चालू होता जी, था। हाँ जी। तो मानसिक लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, ये जो पांच विकार है वो कम हो जाते हैं, कितना भी बोलो हम एक मनुष्य जीवन जी रहे हैं तो आएंगे डिफिकल्टीज आएंगे, सामने वाला कभी एग्री करेगा कभी एग्री नहीं करेगा, तो अभी ऐसी मनस्थिति है कि हाँ मेरा जो है मैं बोलना रखूंगी, सामने वाला सुनना है वो सुनेगा, अगर नहीं तो नहीं सुनेगा, लेकिन उसके लिए मेरे मेरे मन में ऐसी कुछ भी गलत भावना नहीं है। ऐसे जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन, और जैसा तन है वैसे अच्छे विचार आते हैं, ऐसे अच्छे सोच आते हैं। तो ये जो है वो कुदरती भोजन का प्रभाव ये होता है। स्वाति जी, ये बताइए आप कि आपने ये सिस्टम को अभी 2 साल से किया है, इतनी अच्छी तरह से फॉलो करते हो, 100% फॉलो करते हो पूरी जिंदगी में, और कब कितने साल तक ये सिस्टम को पकड़ के रखोगे? मैंने मेरे घर वालों को बोल दिया है कि मैं एंड तक यही करने वाली हूँ जी, जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं यही करने वाली हूँ जी, बोल दिया है मैंने। हाँ जी, हाँ और जी। वो लोग मुझे करने देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है जी। आपके पूरे फैमिली को भी मेरा सच सच प्रणाम कि ऐसे फैमिली का सपोर्ट होगा तो ही एक गृहिणी जो है वो ये सिस्टम को कर पाएगी। नई वेबसाइट हमने लॉन्च की है, मैट्रिमोनियल साइट, तो जिसमें हमने प्रचार किया है कि जो भी एनडीएस के लड़के हैं उनको ऐसी लड़की चाहिए कि जो न्यू डैड सिस्टम करती हो, तो उनसे हम मिलाप करवाते हैं, और जिनके घर में ऐसी बेटी हो कि जो पूरा परिवार एनडीएस फॉलो करता है, उनको ऐसे जमाई की दामाद की ऐसी जरूरत हो तो हम वो भी उनको ढूंढ के देते हैं।
तो जो भी न्यू डाइट सिस्टम में हमारी नई जो जनरेशन आएगी, नई जो पीढ़ी आएगी, उनको ये सिस्टम बहुत लाभ करेगी। तो उनके लिए हम पूरी जूम मीटिंग भी रखेंगे कि जिस जिस के घर में ऐसी शादी की जरूरत है या जिस जिस के घर में ऐसे बेटे बेटियां है कि जो रॉ फूड पे है, 100% नहीं करना है, 50% करो, लेकिन करो। और एनिमल प्रोडक्ट का त्याग करना है, दूध की प्रोडक्ट का त्याग करना है। और ये सिस्टम से जिसकी शादी होगी तो दोनों के विचार, दोनों के मन जो है वो, दोनों के संस्कार जो है वो एक होंगे, तो नई हमारी जनरेशन है वो बहुत ही हेल्दी आएगी। तो ऐसा हमारा एक प्रयास है। जोड़िया ऊपर वाले बनाते हैं, लेकिन हम माध्यम बने हैं, हम पथ दर्शक बने हैं। तो हमने तो जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी हमारे व्हाट्सएप से हमें जुड़ सकते हैं कि जिसके घर में ऐसी शादी ब्याह का प्रसंग हो और जो रॉ डाइट पे जिसके साथ शादी करना चाहता है वो हमारे साथ संपर्क करना चाहे। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं, लड़के हैं कि जो रॉ फूड पे हैं और रॉ फूड वाले से ही शादी करना चाहते हैं। 50% करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एनिमा करना कंपलसरी है, डेयरी प्रोडक्ट दूध बंद करना जरूरी है। तो ऐसे ऐसे लड़के और लड़कियों का मिलाप हम करवाते हैं। जो भी मेरे पास छोटे बच्चे आते हैं कैविटीज के लिए, कैविटी ट्रीटमेंट के लिए, दर्द है दांत में करके, हाँ जी, और बड़े भी आते हैं, तो जनरली छोटे बच्चों का कैसे रहता है कि उनमें हम ट्रीटमेंट थोड़ी सी अवॉइड करते हैं कि पेन सबसाइड हो, तो उनमें मैं बोलती हूँ कि दूध बंद करो। दूध बंद करने के बाद मैंने देखा, दूध बंद करके फ्रूट्स खाओ बोलती हूँ, हाँ, तो डॉक्टर ने बोला है तो बच्चे तो सुन लेते हैं। हाँ, तो ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि उनका जो दर्द है वो कम पावर की दवाई देने पर भी कम हो जाता है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और एक था कि एक स्पेस इन्फेक्शन का केस आया था। जनरली हम मेडिकल ट्रीटमेंट अगर हम देंगे, डेंटल ट्रीटमेंट, तो उसको एडमिट करके पूरा एनेस्थेसिया करके उसका ड्रेन करना था। ये पूरा ऐसे सूजन आ गई थी उसको। तो मैंने बोला कि मुझे ट्राई करने दो, अभी मैं जो कर रही हूँ मुझे जितना समझ में आता है। तो मैंने उसको बोला, एक्चुअली उसके घर में सब गाय भैंस और वो खुद दूध का व्यवहार करने वाले हैं, तो मैंने बोला पहले दूध नहीं लेना है आपको। तो मैंने बोला कि सिर्फ कोकोनट वाटर लेना है आपको और दूध नहीं लेना है, शक्कर नहीं लेना है। तो विद इन 2 डेज उसका पूरा जो स्वेलिंग था वो कम हो गया। जो कि उसको 20,000 दे के एडमिट करके हम अगर जनरल एनेस्थीसिया दे के ड्रेन करते थे तो उतना उसका खर्चा आता था। हाँ, तो वो 200-300 रुपए में ही उसका इलाज हो गया। हाँ, और एक बात बोलनी थी झरना जी, जी, हाँ जी, कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो जी। मैं एक डॉक्टर हूँ, घर में लाइक कभी भी मेरा एजुकेशन जो है वो हेक्टिक, तो हम लोग पकाते नहीं है। तो पहले पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे पकाना है, रॉ में भी कैसे डिशेस बनाने हैं। तो आपके वीडियोस देखती रहती थी, आपके वीडियोस देखने के बाद मुझे बहुत स्ट्रेंथ आ गई। और आप हर एक्सपीरियंस शेयर करते हो, बीच में आपने जो 30 दिन का रसाहार किया था उसका आपने इतना अच्छा सेलिब्रेशन किया। मुझे लगता है कि जो घर में रहते हैं कि गृहिणी है, हाउसवाइफ्स है, हाँ, आप ऐसा प्रमोट करो कि अभी आपके घर में करेंगे सेलिब्रेट। लेकिन वो समझ में आना चाहिए लोगों को कि रॉ फूड पे भी रह सकते हैं और बहुत अच्छे से रह सकते हैं। बाकी वो किटी पार्टीज और बीसी वगैरह जो रखते हैं तो उसमें जाके होटल में खाने से अच्छा है कि आप जैसा इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो ऐसे अगर 4-5 झरना पटेल जी हो जाएंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगी। जी जी जी। नहीं, मैं डॉक्टर होके भी मुझे आपका जो प्रोफेशन है वो बहुत अच्छा लगा कि आप कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, कितने लोग आपको सुन रहे हो। बीइंग डॉक्टर, सो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है और मेरे मन के साथ क्या हो रहा है। तो मैं देखती रहती थी कि जो लोग पहले से कर रहे हैं, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, क्योंकि सामने वाला
अगर क्वेश्चन कर रहा है, अरे तू पकाया हुआ खाना नहीं खाओगे तो कैसा जिंदा जिंदा रहोगे, इतना वेट कम हो गया है, तो उनको पता नहीं है। लेकिन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को बोले कि यही सच्चा मार्ग है और इसमें ही आगे चलना है। जी। तो आपकी जो वीडियोस है वो बहुत काम की चीज है, लाइक मैं आई गॉट वेरी मच लाइक इंफॉर्मेटिव है, और बहुत सारा जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस स्टेज पे आपने मुझे समझाया है। जी, थैंक यू सो मच। ये हमारे सत्कर्म है, हमारा भाग्य है और ईश्वर के आशीर्वाद है। हमारा मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का इतना साथ सहकार है कि मैं इतनी आगे बढ़ रही हूँ, और मैं खुद तपश्चर्या करती हूँ तभी ये फल जो है वो मैं सबको बांट रही हूँ कि भाई ये आप भी करो। तो हमारा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो हम सबको बताते रहते हैं और ऐसे कर करके कारवा चलता रहता है। और बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी को बताते हैं और किसी का डायबिटीज ठीक हो गया, किसी का कैंसर ठीक हो गया, तो हमें इतनी खुशी मिलती है। और वो लोग जी जो पूरे परिवार में एक सदस्य है वो अगर बच जाता है तो पूरे घर के सारे लोगों के ब्लेसिंग्स हमें मिलते हैं कि चलो अच्छी सिस्टम से जुड़ गए हम, अच्छे इंसान से मिल गए कि हमें इतना बेनिफिट हो गया, तो हमारा जीवन जो है वो धन्य हो गया कि भाई हम कुछ वीडियो बनाते हैं तो हमारा जो हमने टाइम स्पेंड किया तो ये टाइम जो है वो अच्छे काम में स्पेंड किया है कि हमारी वीडियो देख के हजारों साल तक लोगों को फायदा होता रहेगा। तो ये बात का हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे डॉक्टर स्तर से आप डेंटिस्ट हो और आप खुद 2 साल से 100% रॉ फूड पे हो, तो आपके चरणों में भी हमारा सत्कृत प्रणाम है कि आपकी वीडियो देख के लाखों लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा कि एक डॉक्टर होने के बावजूद, इतना पूरे दिन का बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप पकाया हुआ भोजन का त्याग कर चुके हो और आप प्राकृतिक भोजन पे, आप रॉ फूड पे आप इतना अच्छा से आपकी बॉडी को हेल्दी बना रहे हो, तो आपको देख के भी बहुत सारे लोगों को भी लाभ होगा। आपके परिवार वालों को भी हमारा सच सच नमन है कि ये सभी ये सिस्टम से जुड़ रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर स्वाति जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, निशुल्क में आके मिल सकते हो। जिनको भी मिलना हो वो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप ऑर्डर करके पूरे वर्ल्ड में आप हम कुरियर आप सबको भेजते हैं, जिसको भी जो प्रोडक्ट चाहिए वो मंगवा सकते हो। जिसको वेबसाइट यूज करना नहीं आता वो व्हाट्सएप से भी हमारे साथ संपर्क करके जो भी ऑर्डर देना चाहे वो कर सकते हो। हम 24/7 हम जो है वो व्हाट्सएप का आंसर देते हैं, कॉल का रिस्पॉन्स हम देते हैं, अगर हम बिजी है तो उसके बाद में भी हम कॉल का जवाब दे देते हैं। तो हम पूरी जो हमारा जीवन है वो पूरा हमने समर्पित कर दिया है सेवा करने के लिए और ईश्वर के साथ सहकार से हम आगे बढ़ते रहे। आप जैसे सभी लोगों के आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तो हमें ये काम करने का बहुत अच्छा लगता है। झरना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे भी जूम मीटिंग के लिए इन्वाइट किया आपने, और आपका काम बहुत आगे बढ़े, बहुत लोगों को पता चले कि न्यू डाइट सिस्टम करना चाहिए। अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं यूट्यूब पर, तो वो ऐसे ही आपके एक्सपीरियंस बढ़ते रहे। तो पढ़े हुए लोग भी है कि जिनको अभी ये मार्ग नया है, तो आपने ये मार्ग चला है तो वो एक गाइडेंस हो जाए और ऐसे ही हम ज्यादा बढ़ते रहे, ऐसे मुझे लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार, आभार, प्रणाम, बाय। थैंक यू।